रुपये आ गए मेरे पास। हाँ बताइए छोटे से आ रहे हैं। पहले दुकान तो उधर थी ना, उधर छोटा। हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कायनात दीवल। आप सबका मेरे चैनल कायनात दीवल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी हूँ। ये देखिए हमारे पीछे कितना बड़ा इलेक्ट्रिक पोल है, सारे तारों का गुच्छा हमारे ही पोल में लटका हुआ है। इसकी वजह से जो ये हमारा घर है ना, ये थोड़ा डेंजर में है। देखिए इनमें कबूतर फंस जाता है, पतंग फंस जाती है, और जब बहुत बारिश होती है ना तो कभी कभी करंट भी आता है इधर से, बच के रहने का। और फ्रेंड्स क्या हो रहा है, सुबह हो चुकी है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, अब मैं भी जा रही थी नाश्ता बनाने के लिए। क्या बनाऊँ तो समझ नहीं आ रहा है, जाती हूँ ढूंढती हूँ कुछ अच्छा सा, देखती हूँ फरीद जी क्या करते हैं। मोबाइल में दुनिया, मोबाइल में ही दुनिया है इनकी। कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो। टीवी भी नहीं देखते तो मोबाइल देख ले रहे हैं। टीवी तो हमारा बेचारा शहीद हो गया ना, कितने शहीद किए हम उन्होंने। टीवी तो बेचारा शहीद हो गया ना, चल बसा टीवी हमारा बहुत साथ दिया उसने। बड़ा टीवी है, वहाँ मैं अपना प्ले बटन लगाऊंगी। यूट्यूब मुझे देगा ना प्ले बटन, गोल्डन सिल्वर डायमंड इंशाल्लाह। और क्या आने वाले होंगे, कौन सा आएगा पहले? सिल्वर आता है, सिल्वर आता है, फिर गोल्ड, फिर डायमंड है। चलिए मालिक आपको मिले कामयाब। आमीन। और फिर जी क्या प्लान? आज जमालपुर जाना। नहीं, जमालपुर का काम खत्म। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे सामान मिलते हैं। अब जमालपुर का काम खत्म हो गया है, अब जमालपुर का काम खत्म है। कुछ चीजें हैं थोड़ी बहुत, अभी और इकट्ठा होने देती हूँ फिर लेके आऊंगी ना, इसलिए अभी तो माइंड में एक या दो चीज आ रही ना, थोड़ी सी और लिस्ट बनना तो फिर जाऊंगी ना। मतलब पूरी लिस्ट अभी एक, अभी उतनी लिस्ट पूरी नहीं हुई थी। हाँ तो हो गई थी, तभी तो कह रही हूँ तो हो गई थी। तो जब से आप आए नहीं थे तब से कहाँ मैंने कोई अपनी लिस्ट पूरी की थी, आपके बगैर थोड़ी कुछ लेती हूँ। जब आप आते हो तभी तो जाती हूँ आपके साथ, है ना। और क्या, चलिए ठीक है। भैया अभी हम लोग आ ही गए हैं आपका थोड़ा काम करने। जो आपसे अधूरा रह गया था, आपने इतनी कोशिश की टीवी का इंतजाम करने की, तो हम लोग यहाँ पर आ गए स्पीकर देखने के लिए। टीवी तो शहीद हो गया ना इसलिए। जब हम ना होंगे तब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते यहीं पे कहीं, यहीं पे कहीं हम मिलके रहेंगे, बनके कली बनके समा राहें वफा में। पहले दुकान तो उधर थी ना, उधर छोटा। तो फ्रेंड्स अभी अभी हम लोग घर आ गए हैं, और वहां से फाइनली हम लोग ये छोटा सा स्पीकर लेके आए हैं। हमें कुछ ना कुछ वहां पे लाना था क्योंकि भैया के पैसे वहां जमा थे। क्या हुआ, बंद हो गया ये? अच्छा हाँ,
अच्छा पर ये जी चेंज करते जा रहे हैं ना, तो ये बंद हो गया था वहां से, अपना YouTube से कनेक्ट किए हुए हैं। और कितना प्यारा लग रहा है ये, अच्छा है यार, मस्त लग रहा है। और फ्रेंड्स आए हैं अभी हम लोग बाहर से। दरअसल जिन्होंने पहले के ब्लॉग नहीं देखे होंगे उनको मैं ये बता दूं कि भैया यहाँ पर आए थे, सिकंदर भैया हमारे, और टीवी का जो था हमारा वॉल्यूम काफ़ी स्लो था, तो उन्होंने सोचा कि चलो हम तुम्हें स्पीकर दिला के लेके आते हैं। हम लोग गए वहाँ पे स्पीकर वगैरह लेने के लिए, तो पसंद कर लिया था हम लोगों ने एक, लेकिन ला के जब वो कनेक्ट किया हम लोगों ने तो नहीं कनेक्ट नहीं किया, जब ले आए हम लोग और उसको कनेक्ट करना चाहा तो वो पीछे कनेक्ट नहीं हुआ और कुछ प्रॉब्लम हो गई। फिर हम लोगों ने वो टीवी दिखाया, तो उसके पहले जहाँ टीवी दिखाया था बदतमीज वो चोर निकले, उन्होंने उसका स्पीकर निकाला हुआ था, वो सब चीज़ें पता चली। फिर हमने टीवी ठीक कराया और टीवी ठीक कराने के बाद में उन्होंने ऐसे ही थोड़ी देर के लिए रख दिया था वहाँ पे, और वो हमारे फराज से डायरेक्ट ठाए करके नीचे गिर गया। क्या हुआ था फराज उस दिन, क्या हुआ था फराज, प्लीज़ टेल फराज। तो वो टीवी शहीद हो गया, उसको शहीद ही होना था, फालतू में खून पी रहा था हमारा। तो वो टीवी धड़ाम करके नीचे गिर गया और टीवी का डिस्प्ले चला गया है। तो फिलहाल अभी तो ना तो टीवी लेने का मूड है ना उसका डिस्प्ले ठीक कराने का मूड है, क्योंकि ठीक ही जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और अभी क्योंकि टाइम भी है, मुझे तो टाइम नहीं मिलता था बिल्कुल भी टीवी का बच्चों के लिए, लेकिन हाँ ज़रूरी था, कभी हम कहीं बाहर गए तो फराज के लिए ज़रूरी था, फराज थोड़ा सा उसमें रहता था तो कहीं दुनिया उसको चाहिए नहीं थी। पर अब वो टीवी का ऐसा हो गया है, और तो वो स्पीकर फिर हमने वापस कर दिया, उतना बड़ा फिर हम स्पीकर क्या लेते हैं। तो फिर तब भी उन्होंने कहा था कि अब वो दुकानदार के यहाँ से कुछ ना कुछ तो लेना ही होता है, तो इन्होंने बोला कि एक छोटा सा स्पीकर लेके आएंगे मोबाइल के लिए जो कहीं भी हम लोग लेके जा सकते हैं। तो इसलिए अभी हम लोग गए थे वहीं मार्केट, और ये हम लोग मामू भांजे मार्केट से ये छोटू सा स्पीकर लेके आए जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। और वहीं से आने के टाइम में मुझे आमिर निशा में कुछ काम था और मुझे कुछ ईयरिंग्स लेनी थी, तो वो लेके आई, और तो तभी मुझे एक ईयरिंग पसंद आ गई। देखिए कितनी अच्छी है, फ्रास करो, हिल रही है, करो करो फ्रास करो। हाँ अरे वाह देखो ये कैसे राउंड राउंड हो रही है, कितनी प्यारी ना क्यूट सी, करो फ्रास करो। अच्छा ऐसे फिंगर करो, अच्छा अरे वाह। तो ये मेरिंग लेके आई हूँ, बहुत प्यारी लग रही थी। और चलिए फ्रेंड्स आते ही फरीद जी लाए हैं गोलगप्पे, तो चलिए हम गोलगप्पे के मजे लेते हैं। ये चल रही है यहाँ पे गोलगप्पे की पार्टी। चलिए आपने चाट नहीं लिया अपने लिए, आपको चाट लेने गए थे इसी में हो गया। चलिए ठीक है गोलगप्पे खा लेते हैं, और ये देखिए ये भी शामिल हो गया है हम में। फरीद जी बोलो फिर से, ये कहाँ से लाया है, बेंगलोर से यशवंतपुर। हाँ शायद मुझे एग्जैक्ट जगह याद नहीं, मुझे तो खाने से मतलब है, मैं इतनी इंक्वायरी भी नहीं करती। वैसे पिछली बार दर्शन ने बताया था पर मैं भूल गई हूँ कहाँ से भाई साहब लेके आते हैं। तो अभी आए हैं हमारे जीजा जी, और वो हमारे लिए इतना अच्छा पराठा लेके आए, थैंक यू दर्शन, थैंक यू भाई। और लाते मेरा मन कर गया है तो मैं खा रही हूँ मजे से। ये क्रीम रोल जैसा है, इसके अंदर कुछ नारियल है, और पता नहीं वो तो पराठे ही बता रही थी मुझे, किसको पराठे ही बोलते हैं बाकी पता नहीं क्या बोलते हैं, आपको नहीं ले जाऊंगी, आपको नहीं ले जाऊंगी, आपको दद्दा को देके जाएंगी। कौन बोल रहा है भैया को ले जा रहे हैं क्या? नहीं हम नहीं ले जा रहे, हमने मना कर दिया है, नहीं लेके जा रहे। कुसुम के साथ में आना, अकेले कुसुम लेके आएगी ना, है ना? हाँ तुम लेके आना, ठीक है परसों आना मंडे को, ठीक है ना? मंडे कब पड़ता है? कल क्या है, कल कौन सा डे? कल मंडे है, संडे संडे। और डॉल को पढ़ा दिया, शादी कर दी डॉल की? अच्छा ठीक है, ये तो बताओ मुझे ड्रेस दिलाओगी ना? हाँ ठीक है, इनकी शादी में ड्रेस भैया को भी दिलाएंगे ना, भैया को भी दिलाओगे ना? भैया मगन हो गए, भैया तुम कैसे खिला रहे हैं भैया को, कहाँ तुम आ रहे हो? अस्सलाम वालेकुम,
तुमको नहीं ले रहे हैं भाई। तो फ्रेंड्स हो गई है रात, चलिए अब सोने की तैयारी की जाए। और कल तो है संडे, मजे की नींद लूंगी मैं तो कल सुबह इंशाल्लाह। और गए थे आज हम बाहर गए थे, वही स्पीकर के काम से भैया आए थे, तो वो स्पीकर का काम अधूरा था, उस काम से गए थे। फिर उसके बाद में अभी रात ही हो गई थी, हम लोग 9:30 बजे करीब गए हैं। तो हम लोग गए थे फरहान आंटी के यहाँ पर, अंकल आंटी और उनकी फैमिली को, फुरकान सर को, सबको दावत बोलने के लिए, क्योंकि अंकल आंटी उमरा के लिए जा रहे हैं। तो अब ये उनके साथ इतनी दावत तो बनती है, तो बोलने के लिए गए थे। तो कल का फिक्स करने गए थे, तो कल थोड़ा सा उन्हें कहीं जाना था, तो हम लोग परसों का फिक्स करके आए हैं। तो इंशाल्लाह देखिए परसों वो आते हैं। डर रहे हैं बेचारे सोच रहे हमारे टाइम पे कौन बोल रहा है तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय। जय हिंद, जय भारत।